वेलकम बैक नासिन इश्यूज ऑफ धरती में वहाँ के एक फिर बियर भलीकार से उनका नासिन उस प्रोग्राम में सके ज्वाइन कर रहे हैं हम सुमिक नून जो सीनियर अखबार सिद्दीकर फारूक साहब। सिद्दीकर फारूक साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को भी बुला लिया है, कैसे देख रही है सूरत हाल, कहाँ जा रही है, क्या ऐसे ही हम वजीर आजम जो है मुल्क के कुर्बान करते रहेंगे, सूरत हाल जो कि तू ही रहेगी? बहुत शुक्रिया। अगर वजीर आजम के लेवल पे जी आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हुक्म अदूली होगी तो फिर रूल ऑफ लॉ के लिए यानी मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए जंगल के कानून की बजाय कानून की हुक्मरानी के लिए तो फिर इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी इब्तिदा हुई है। इससे पहले तो जिसके पास इख्तियार था वो आइन भी तोड़ देता था और आइन मरोड़ भी देता था और अदालतों की ऐसी तैसी करता था, इंसाफ का गला घोंटता था। पहली दफ़ा ये बात हो रही है कि कानून की हुक्मरानी के लिए काम हो रहा है और ये जमहूरियत के लिए भी और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर है। और मैं समझता हूँ इस तासर को भी ख़त्म करेगा कि जी जो बड़े अहदेदार हैं जो इख्तियार में होते हैं वो कानून को दबोच लेते हैं और गरीब आदमी पर कानून लागू हो जाता है। अच्छा सिद्दीकर फारूक साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सूरत हाल जो है हमें नजर ये आ रही है कि पार्लियामेंट अदलिया पार्लियामेंट सूरत हाल जो है अवामी मसाइल जो है वो हल हो नहीं पा रहे, तो बींग अपोजिशन पार्टी मेजर अपोजिशन पार्टी आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? आप नहीं समझते कि सूरत हाल से हमें बाहर निकलना चाहिए और अवामी मसाइल जो हैं उनको हल करना चाहिए? देखिए अवामी मसाइल हल करने से जी पीपल्स पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है जी इत्तेहादी हुकूमत इसको किसी ने नहीं रोका। इसकी काबीना है, इसके वजीर हैं, इनके पास 3,200 अरब का बजट है, इनके पास फौज है, इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि ये नाहल हैं और इनकी तरजीहात दुरुस्त नहीं हैं और ये करप्ट लोगों को लगा रहे हैं और ये पैसा बना रहे हैं और अवाम का और मुल्क का मफाद इनके सामने है नहीं, इसलिए ये मसाइल हल नहीं कर पा रहे। किसी ने इन्हें नहीं रोका बल्कि हमने तो साथ दिया इनका कि भाई मसाइल हल करो, मुस्लिम लीग नून नेता ने बर्दाश्त किया और साथ दिया कि आप मसाइल हल करो, लेकिन ये नाहल लोग हैं, ये करप्शन करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि 27 अगस्त को वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को तलब किया गया है, अगर उसको नाहल करार दिया जाता है तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि तीसरा वजीर आजम लाएंगे, क्या ये तीसरा चौथा वजीर आजम आने के सिलसिले में अवाम का नुकसान नहीं है? देखिए जी अवाम का नुकसान इस बात से है कि करप्शन को ख़त्म ना किया जाए, अवाम का नुकसान इस बात में है कि इससे पहले वाला वजीर आजम या मौजूदा, देखिए 4.5 साल हो गए हैं इन्होंने अवाम के मसाइल हल करने के लिए किया नहीं। हर 3 महीने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्की मईशत के बारे में रिपोर्ट देता है जो हर 3 महीने के बाद खराब से खराब तर होती है, इन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बहाना बनाना, अगर वजीर आजम आइन पर अमल नहीं करेगा तो और कौन करेगा, इसलिए ये कोई बहाना नहीं है। ये वजीर आजम अगर जाता है, ये तीसरा वजीर आजम लाते हैं तो हम भी देखेंगे। अब वक्त आ गया है कि ये इस तरह के मांगा अपना काम करने की बजाय महाजाराई की बजाय ये अपने आप को आइन और कानून के हवाले करें, और अगर ये काम नहीं कर सकते तो केयर टेकर गवर्नमेंट अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के बाकी पार्टियों से मशावरत करके हम बना लें और इलेक्शन कराएं, ताकि ये अगर अवामी मसाइल नहीं हल कर सकते तो जो दूसरी हुकूमत आ जाए वो अवामी मसाइल हल करे। अच्छा सिद्दीकर फारूक साहब वन वेरी लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चौधरी एतजाज हसन साहब ये कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद है, मगर नज़र ये आ रहा है उनके कहने के मुताबिक कि अदलिया जो है आइन से भी आज़ाद हो रही है, आसमा जहांगीर साहबा का भी जो है गालिबन यही स्टेटमेंट है, तो आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जो जो है अदलिया की बहाली की मूवमेंट में जो है लीडरान सामने थे उनके स्टेटमेंट्स ऐसे, तो क्या क्या समझा जाए सूरत हाल से? एतजाज अहसन ने अदलिया की बहाली की तहरीक के बाद अक्सर ये कहा करते थे कि हुकूमत को स्विस कोर्ट को खत लिख देना चाहिए, लेकिन जब उनके मामलात हो गए और वो सेनेटर बन गए और फिर वो वजीर आजम के वकील बन गए तो फिर उन्होंने कहा नहीं लिखा जाएगा, तो फिर एतजाज अहसन की कौन सी बात मानी जाए? दूसरी बात यह है कि एतजाज अहसन राय दे सकते हैं लेकिन एतजाज अहसन अपनी अदालत नहीं लगा सकते, वजीर कानून नहीं लगा सकता, मैं नहीं लगा सकता, वजीर आजम नहीं लगा सकता, अदालतें तो वही हैं जो आइन के मुताबिक हैं और फैसले उन्होंने ही देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकर फारूक साहब धरती न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए, हम आपके बहुत मशहूर हैं। मुनव्वर गालबोल बुद्धि अवाब
नज़र ये पे अचे तो अपोजिशन भी पैं माइंड मेकअप कर चुकी है तो इन वज़ीर आज़म के वनो है इलेक्शन जो जिता किता गाल समझो तो अगर इलेक्शन्स वन उन मामलो माठार में इंदो या यो मामलो जी जो तू हल रहा सदर आसिफ अली ज़रदारी जो अना भी टेन्योर है। बिल्कुल शिराज भाई हाँ इलेक्शन जो दौर है इलेक्शन थियण खपे हुए भी जै हुकूमत में टकराव वाली सूरत हाल होंगी आके हुकूमती धुर जहाँ नुमाइंदा हूँ तो वो निगरान हुकूमत जोड़े इलेक्शन जो अनाउंसमेंट कंदा तो मैं समझा तो इन वक्त इलेक्शन कराने की ज़रूरत आ अदलिया हुकुमरान जी जमायत है उनमें टकराव से आवाम जो तमाम वो नुकसान थो अक्सर करो पे केसिस हली रहा अदालतों में भी उनमें जो चूंडियल नुमाइंदा या जो इक्तदार धनी हैं उन्हें जो पेशूँ थी रही उनका मसाइल हल थी रहा पर जो जनरली इशू हैं आवाम जहा तो अदालत के गुजारिश है तो उन्होंने भी टाइम दे उन केसन के भी उकलो वे तो मैं समझा तो इलेक्शन कराने खपे इलेक्शन कराने का नव माहौल जोड़बो ए मुख्तलिफ इलेक्शन में जो आवाम है मुख्तलिफ मानून के चूंडींदा मुख्तलिफ मानू जो इक्तदार में इंदा तो वो नए सिर पाँ वागू संभाले मुल्क जो खिदमतू कह तो समझा तो इलेक्शन थियण खपे इलेक्शन थियण से ये जो टकराव आ अदालत सुप्रीम कोर्ट जो हुकुमरान जमायत जो वो खत्म थी वो। अच्छा मनोहर यो पुछन चाहिए सूरत हाल जहाँ है बैरिस्टर आसमा जहांगीर साहबा भी चई रही तो लगी ये रहा कि साजिश तहत ही सारी प्लानिंग थी रही है तभी समझो था कें साजिश तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के घर भेड़ो कर ये स्टेटमेंट्स वक्तन बवक्तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माँ चाहता रहा है गडो गुड़ उनको यो मौकफ है तो बया जो अहम केसिस इमरान खान जैसे सुप्रीम कोर्ट वे तो उनके स्टे ऑर्डर भी जल्दी मिली तो वे उनके जैसे मुस्लिम लीग नून वन काफ़ी केसिस उन्होंने न पो कमकार थे तो अभी छा समझो था तो सूरत हाल वाकई है जी मां समझा तो ये साजिश ना है छो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चार साल पांजा पूरा चुका पूरा कर चुकी है बाकी उनको थोड़ा टेन्योर बचो वो पांजा पंज साल पूरा करने वाला जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ यह साजिश होज तो शुरू का ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंज साल जो उनको मुद्दों हो टेन्योर हो वो पूरा कर दिनों वे हेड़ी अदालत है अदलिया है सुप्रीम कोर्ट आ वह बालादस्त आज फैसलो आ अगूणों जो वजीर आजम हो यूसुफ रजा गिलानी उनके नाल करार दिनों वो इन मामले से हाँ भी अदालत जो तलब किया राजा परवेज अशरफ के स्वेस अदालत के खत लिखो हुआ तो मैं समझा तो अदालत जहाँ फैसला हूँ तो उनमें ये हों अदालत पाँचे फैसलों से अमल दरामद कराई वो चवंदा तो असान जो फैसलो आ अदालत जो फैसलो आ आइन बालादस्त आ उन आइन से अमल कर वो फैसलो जो वो मुड़ो वो तो मैं समझा तो अदालत पाँच जो फैसलो दिनों उन अटल आ वो फैसलो इंदो मां समझा तो 27 अगस्त से वो फैसलो इंदो जैसे हाँ को जो वजीर आजम आ वो स्विस अदालत के खत नो लिखे तो मां समझा तो उनके भी नाल करार दिनों वो नाजरीन से गाल बोल इन्हीं अहम मामले से जारी रखी प्रोग्राम इश्यूज ऑफ धरती जारी है पर वक्त मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक वूँ था मुनवर से भी गाल बोल अगत बताइंदी कोशिश कदी अगवाणी जहा मौक़ पिणा अवान तीन इन क्रूशल मामले तीन पहुँचाई।